एग्री ह्यूमिक वेस्टेज, एग्री ह्यूमिक 10 ml, 15 लीटर पानी में 10 ml 15 लीटर पानी में घोलते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पानी के साथ इसको हम मिला देते हैं। ये देखिए, ये जो है मग टूटा हुआ है तो इसको हम यही रख देते हैं और ये धीरे धीरे पानी के साथ गिरता जाएगा। इसको कहीं टिकाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने खेत में और देखिए हम अपने खेत की इस वक्त सिंचाई कर रहे हैं। तो हमने जो लहसुन लगाए थे, गोभी तो देखिए लगभग आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं। तो अभी तो देखिए हम इसमें लहसुन में सिंचाई कर रहे हैं। लहसुन के पौधे थोड़े से कमज़ोर हैं तो उसमें हमने देखिए अभी पानी में एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक जो है लिक्विड फॉर्म में मिला कर डाले थे। इसके डालने से क्या होता है कि जो हमारे जो पौधे हैं ये तो पहले तो स्वस्थ होंगे और इसकी नमी जो है बरकरार रहेगी। और हाँ दोस्तों, इस वक्त बदरी बहुत है
कोहरा बहुत तेज जो है घेर ले रहा है, तो कोहरे की वजह से जो पौधे खराब हो जाते हैं, जो जल जाते हैं, तो वो नहीं जलने पाएंगे, उससे मेरे इस लहसुन की सुरक्षा होगी। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए विलाई, क्योंकि पक्का बाद में तो आप भूल जाते हैं। अभी तो देखिए दोस्तों हम खेतों को सींच रहे हैं, और उसके बाद यहीं से लेते हैं ताज़ा ताज़ा फ्रेश गोभी, और यहीं से लेंगे देखिए हमने जो बैंगन लगाए हैं बैंगन। और फिर चलिए आज मज़ेदार बनाते हैं इसकी पकौड़ियाँ। मौसम भी गजब का है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप तो देख ही रहे हैं। तो चलिए देखिए मैंने जो बैंगन लगाए हैं आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमने बैंगन के मात्र कुछ ही पौधे लगाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हैं, केवल अपने घर के यूज़ के लिए ही लगाए हैं। और इस बैंगन में मैंने पहली बार जो है वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए हैं, केवल हमने इसमें एग्री ह्यूमिक लिक्विड और एग्री 82 जो है डाले हैं, और उसका छिड़काव किए हैं। हमारे यहाँ जो बैंगन में कीड़े लगते हैं, तो कीटनाशक के साथ इसको मिक्स करके इसके छिड़काव किया, और इसका रिजल्ट देखिए इतना ज़्यादा बैंगन जो फल रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए मुझे यहाँ खेती करते हुए जो 20 साल हो गए हैं, और इस तरह के इतने ज़्यादा बैंगन की पैदावार कभी नहीं हुई थी। हम लोग हमेशा खेती करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार खेती किए थे, और बस इसके जो हम इसमें मिट्टी जब छाप रहे थे तो उसमें हमने एग्री ह्यूमिक ग्रेनुलर डाले हैं, मात्र केवल इतने ही प्रोडक्ट यूज किए हैं, और इसके इतने रिजल्ट हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कितने बैंगन हैं। हमारे घर में तो लोग उब गए हैं बैंगन खाते खाते, और मैंने तो देखिए दोस्तों ये देखिए ये इतने इसमें बैंगन के फल की जो है डालियाँ जो है नीचे जमीन पकड़ लिए हैं ये, और देखिए यही से हम तोड़ेंगे बैंगन और ले चलेंगे। दोस्तों देखिए इस बैंगन की खास बात यह है कि दोस्तों ये जो है हमने जो जैविक इसमें खाद इस्तेमाल किए हैं, अगर मैं इस बैंगन को रख दूं 1 हफ्ते 10 दिन तो ये बैंगन सड़ेंगे नहीं, ये सूख जाएंगे। इसकी खासियत ये है कि ये सूख जाएंगे, सड़ेंगे नहीं, लेकिन जिसमें हम यूरिया डाई और तमाम तरह के पेस्टिसाइड यूज करते हैं, अगर हम उस बैंगन को कंपेयर करेंगे तो वो बैंगन 2 दिन में सड़ जाएंगे, लेकिन इसकी खासियत यही है और ये शुद्ध भी है। तो चलिए देखिए आज यहीं से तोड़ते हैं बैंगन। देखिए ये पूरा बैंगन जो है ये डालियाँ जो हैं फर के एकदम जमीन पकड़ लिए हैं, तो यहाँ से ले चलेंगे बैंगन, और इसकी हम बनाएंगे आज पकौड़ी, एकदम टेस्टी पकौड़ी पकड़ लिए हैं। तो चलिए अब हम यहीं से लेते हैं गोभी और बैंगन, और फिर चलिए बनाते हैं मज़ेदार एकदम टेस्टी टेस्टी पकौड़े। ये मैं टमाटर में भी पानी भर दे रही हूँ, और इसमें भी हमने एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 डाले हैं, ताकि जो हमारा टमाटर है ये बढ़िया सा। देखिए दोस्तों ये देखिए ये है ना बैंगन, ये देखिए। तो देखा दोस्तों ये जैविक खेती का कमाल है, ये ऑर्गेनिक खेती का कमाल है कि हमें शुद्ध चीज़ें मिल रही हैं। दोस्तों अगर आप भी खेती बाड़ी पसंद करते हैं, या फिर अगर आपके पास खेती नहीं है और आप इस तरह की चीज़ें आप भी पसंद करते हैं, पौधे उगाना, फूल पत्तियां लगाना, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे आप उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट डालें, और गमले में भी आप इस तरह की सब्जियों को उगा सकते हैं, उसके उगाने के तरीके हम आपको बताएंगे, आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे, और फिर आप भी उगाइए। और ये बहुत सुकून देता है दोस्तों, मुझे बहुत सुकून देता है। तो चलिए पहले तोड़ते हैं बैंगन। तो दोस्तों देखिए हमने सारे क्यारी में जो है पानी भर लिए हैं, और इतनी ढेर सारी देखिए सब्जियां भी तोड़ लिए हैं, बैंगन, गोभी, और ये देखिए ये स्प्रिंग ओनियन हम ले लिए हैं, और चलते हैं अब हम घर, और फिर खूब ढेर सारी जो है रेसिपी बनाते हैं तरह तरह की, मुझे बहुत पसंद है, और अपनी मेहनत का हो तो फिर बात ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों अब हम पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो उसके लिए देखिए बैंगन को धुल लिए हैं, और इसको इस तरह से देखिए पतले पतले चिप्स की तरह काट लेते हैं। मन मर्जी इसे शेप में आप काट लीजिए। तो चलिए देखिए बैंगन को इस तरह से चिप्स के शेप में काट लेते हैं, और फिर इसी का बनाएंगे हम बढ़िया मज़ेदार एकदम पकौड़ियाँ। तो चलिए दोस्तों
खेतों के तो बहुत सारे काम हमने कर लिए हैं और अब चलिए बनाते हैं हम पकौड़ियाँ। तो देखिए ये गोभी और बैगन हम ले आए हैं और इसको बढ़िया से धुल के, तो बैगन के इस तरह के देखिए हम चिप्स काट लिए हैं, कुछ इस तरह के पीस काट लिए हैं और गोभी को अच्छे से धुल के और इस तरह के देखिए इसके हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। इसके डंठल हम कुछ नहीं निकाले हैं और इसी साइज में इसको कट किए हैं। तो चलिए अब झट से देर नहीं करते हैं, इसके लिए बेसन तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए ये हम बेसन लिए हैं और बेसन लिए हैं देखिए तिरुपति फूड का, ये एकदम शुद्ध और चने का बेसन है तो इसी का हम बनाते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं बेसन और इसमें हम डालते हैं देखिए ये नमक एक चम्मच, अजवाइन आधी चम्मच, हल्दी और इसमें हम कोई और मसाले बिल्कुल नहीं डालेंगे, लाल मिर्च का हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़े से तीखे के लिए ये देखिए ये हरे मिर्च है और इसको बारीक कट कर लिए हैं तो इसी को हम इसमें मिला देते हैं। ये पकौड़ी बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चे ही ज़्यादा खाते हैं इसलिए हम इसमें देखिए लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं। आपको लाल मिर्च पसंद हो तो आप लाल मिर्च यहाँ पर डाल दीजिए और मैं अब इसमें डालूंगी पानी और पानी डाल के धीरे धीरे इसको फेंटते हुए एक गाढ़ा सा घोल हम तैयार करेंगे। ध्यान रहे घोल को एकदम पतला नहीं करना है और ना ही बहुत सूखा, इसको थोड़ा गाढ़ा में ही बनाना है। तो देखिए दोस्तों बेसन को हम बढ़िया से देखिए फेंट लिए हैं और देखिए ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला है। रुकिए इसमें मैं ये गोभी के पीसेस डाल के दिखाती हूँ। तो ये मैं इसमें गोभी के पीस डाल दे रही हूँ और ये देखिए कितना बढ़िया से इसकी कोटिंग हो गई है। तो इसी तरह का हमें बैटर चाहिए था। तो चलिए अब हम जल्दी से आग जलाते हैं और फिर पकौड़ियाँ तलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए आग हम जला लिए हैं और पकौड़ियाँ तलने के लिए ये हम लिए हैं लाइट हाउस राइस ब्रैन ऑयल वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जो बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसी में खाना बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके बहुत बेनिफिट हैं। दोस्तों घर की जैविक खाद से उगाई हुई सब्जियाँ, शुद्ध तेल, शुद्ध बेसन, तो फिर पकौड़ी खाने में क्यों ना मजा आए। तो मैं इसी बनाने वाली हूँ। आपको भी अगर चाहिए तो आप हमें कॉल करके जरूर बताएं और इसके लेने के बहुत सारे बेनिफिट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप एक बार जरूर हमें कॉन्टेक्ट करें और ये बेसन दोस्तों लेने आप इस बेसन को किसी भी सामान्य दुकान से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप ये हमारी कंपनी से जुड़ के खरीदते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको। और आप अगर इसके बेनिफिट जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। चलिए अभी तो हम जल्दी से पकौड़ी बनाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए तेल गर्म हो गया है तो इसमें अब हम एक एक, तो चलिए एक एक करके हम कढ़ाई में ये गोभी सब जो है फ्राई कर लेते हैं और आँच थोड़ा मीडियम लगाएंगे क्योंकि ये गोभी जो है कच्ची है तो जब धीमा आँच लगाएंगे तो ये अंदर से अच्छे से सीकेगा। चलिए इसको देखिए अलग पलट के इसको सीख लेते हैं, इस तरह से सेकेंगे इसको, तल लेंगे बढ़िया से। और ये देखिए ये क्या पीसेस हैं पकौड़ी के, गोभी के, एकदम मज़ेदार लग रहे हैं देख के ही। देखिए तो इसको थोड़ा धीमा आँच लगा के ही इसको सेकेंगे ताकि अंदर से बढ़िया से सीख जाए। तो ये देखिए दोस्तों हमने पकौड़ियों को देखिए अलग से पलटते हुए इस तरह से सेक लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम कढ़ाई से करते हैं अलग और देखिए हमारी अन्नू बिटिया को देर हो रहा है कोचिंग जाने के लिए तो मैं जल्दी से उसको देती हूँ पकौड़ियाँ और वो खा के जाएगी स्कूल। लो भाई अपना गर्मा गर्म पकौड़ी। हमारी अन्नू और ये अन्नू की फ्रेंड है, ये लोग खा रही है पकौड़ी, खाएंगी गर्मा गर्म ये बैगन की। चलिए तब तक और पकौड़ियाँ इधर हम बनाते हैं। तो इसी तरह से देखिए दोस्तों सारी पकौड़ियाँ हम जो है फ्राई करेंगे। इसी तरह से गोभी और बैगन के जो चिप्स हैं उसको भी बेसन में लपेट के तो हम इसी तरह से तलेंगे।
बचपन बढ़िया से। तो ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया ये गोल्डन कलर में हो गया। तो इसी तरह से देखिए ये हम सारे पकौड़ियाँ जो हैं फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये बैगन के भी पकौड़ियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से सारे पकौड़ियाँ हम फ्राई करेंगे।